अभी हम लोगों ने पिछले सेशन में ये देखा कि ये कैलकुलेटर था, तो हमने कहा कि वहां पे 2 + 2 आपने कहा 4, हमने कहा 3 + 1 आपने कहा 4, हमने कहा 5 - 1 आपने कहा 4, हमने कहा 6 - 2 आपने कहा 4, हमने कहा -3 + 7 आपने कहा 4, हमने कहा -8 + 12 आपने कहा 4। तो हमने ये देखा कि सर डिफरेंट इनपुट्स के एक सिंगल आउटपुट मिलना इज पॉसिबल। सिंगल आउटपुट मिलना इज व्हाट? इट इज पॉसिबल। डिफरेंट इनपुट्स के सिंगल आउटपुट मिलना इज व्हाट? पॉसिबल। लेकिन हाँ, हर इनपुट का एक आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब कोई भी इनपुट दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज अगर एक भी आउटपुट नहीं मिला तो हम कहेंगे कि मशीन खराब है। हमने मान लो लिख दिया 4 + 2, हमें 6 मिला ही नहीं, हमें आउटपुट मिला ही नहीं, हम क्या कहेंगे? फिर तो मशीन खराब। मतलब हर इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। यदि ये इनपुट है और ये अगर यहाँ से आउटपुट मिल रहा है तो हर इनपुट का कोई ना कोई फिगर आउट होना चाहिए, तो कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। मतलब हर हर एलिमेंट जो है किसी न किसी से मिले होने चाहिए। जैसे देखो, ध्यान दो कि हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है। जैसे मान लीजिए क्या है, एक फंक्शन हमने बनाया यहाँ पर, ये फंक्शन एफ से जुड़े हुए हैं, वही रिलेशन का ही एक रूल है, फंक्शन एक रूल बना होगा। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि 1 का इमेज क्या है, 1 इज रिलेटेड टू ए, अच्छा 2 का इमेज क्या है, सी, 2 इज रिलेटेड टू सी, 3 का इमेज क्या है, 3 का भी सी है, 3 इज रिलेटेड टू सी, 4 का क्या है, ए है, 4 इज रिलेटेड टू ए, ठीक है भैया। तो हर इनपुट का आउटपुट मिला है, वो अलग बात है कि दो इनपुट का सेम आउटपुट मिल गया है, तो दो या दो से ज्यादा इनपुट के सेम आउटपुट मिलना इज पॉसिबल। बट हाँ, हर इनपुट का सिंगल आउटपुट ही मिलना चाहिए। जैसे 2 + 2, अब हमेशा 4 ही मिलना चाहिए, 2 + 2 का कोई दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, दो से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। मैंने वही बोला कि इसका रिश्ता एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यदि 1 का आउटपुट 1A मिल गया, इसको आउटपुट समझिए, या 1 का रिश्ता अगर A से हो गया, 1 अब कहीं और रिश्ता बना नहीं सकता, नहीं तो उसका एक से ज्यादा आउटपुट माना जाएगा और ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। तो रिलेशन और फंक्शन में यही एक अंतर है कि रिलेशन में इनपुट का कुछ आउटपुट मिलता है, एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट भी मिल सकता है, इनपुट का आउटपुट ना मिले तो भी चलता है। लेकिन फंक्शन में क्या है, सब रिस्ट्रिक्शन है। फंक्शन में पहली बात तो हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए और सिंगल आउटपुट होना चाहिए। फंक्शन क्या कहता है, हर एक इनपुट का, हर एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ इमेज एंड यूनिक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज और वन एंड ओनली वन रिलेशन इन विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यूनिक रिश्ता होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से, तब वो फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, देखो हर एलिमेंट का रिश्ता है पहली बात, और यूनिक रिश्ता है, मतलब एक ही आउटपुट है, एक से आउटपुट नहीं है। वो अलग बात है कि ए जो है 1 का भी आउटपुट है और 4 का भी आउटपुट है। तो भाई जैसे यहाँ पे देखो 2 + 2 का आउटपुट भी 4 है, 3 + 1 का आउटपुट भी 4 है। तो दो इनपुट का सेम आउटपुट होना इज पॉसिबल इन अ फंक्शन, बट एक इनपुट का दो आउटपुट होना इज नॉट पॉसिबल। दो इनपुट का एक आउटपुट होना इज पॉसिबल, बट एक इनपुट का दो आउटपुट होना इज नॉट पॉसिबल। जैसे इस केस में अगर आप देखो तो 1 का ए भी है, 1 का सी भी है, दो इमेज बन गया, अब ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, अभी तक ये फंक्शन है, ठीक है। इस केस में ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ सब हर सिंगल इनपुट का यूनिक आउटपुट मिला है, वन एंड ओनली वन आउटपुट मिला है। अब ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4 का आउटपुट क्या क्या आए हैं, आउटपुट आया है ए और आउटपुट आया है सी, ठीक है। आउटपुट क्या क्या आया है, आउटपुट आया है ए और आउटपुट आया है सी, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट मिला है, आउटपुट क्या क्या है, ए और सी, जो आउटपुट मिला है इसको हम लोग रेंज कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग भैया रेंज कहेंगे, ठीक है। इस आउटपुट को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और कोडोमेन क्या क्या है, कोडोमेन है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी कोडोमेन है, लेकिन जो आउटपुट मिला है खाली वही रेंज है। तो रेंज क्या है,
रेंज इज आउटपुट करेस्पॉन्डिंग टू इनपुट ओनली. कोडोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी इज कोडोमेन. कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कोडोमेन. तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का. रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का. ठीक है भैया, ये बात सुनना रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, मान लो ये सेट ए है, ये बी है, एलिमेंट है 1 2 3 4 ए बी सी डी. 1 2 3 4 ए बी सी डी. सेट ए सेट बी सेट ए सेट बी. 1 2 3 4 ए बी सी डी. ऐसे ही कर, मैं कुछ पेयरिंग कर रहा हूँ, आप लोग बस देखते रहिए. अभी चलिए, आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें सेट है, कौन सा इसमें सेट नहीं है. पहला, सॉरी, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है. 4 5 6 तो आंसर आ भी गया मेरे पास. सर 3 4 6 नहीं है. ऋचा का आंसर है, बहुत बढ़िया. ऋचा कह रही, अच्छा पहला पहला फंक्शन है क्या, जो मैं पूछ रहा हूँ बस बताइए. पहला फंक्शन यस और नो, अनम्यूट करके बोल सकते हो भैया, जल्दी काम होगा ना, लिख लिख के बताओगे. तो सबने आंसर दिया, 5 का आंसर आ गया, जनवरी का आंसर आ गया, 6 है. अच्छा, तो पहला जो है, पहला फंक्शन है, 5 करिए, पहला फंक्शन नहीं है. गुड, तो पहला फंक्शन नहीं है, जो पहला है वो फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने बोला हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, हमने 3 इनपुट का कोई आउटपुट नहीं मिला है, 3 इनपुट का आउटपुट नहीं मिला है. पहला इज नॉट अ फंक्शन, फर्स्ट एग्जांपल इज नॉट अ फंक्शन. हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए भैया, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए. हमने बोला था ना, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए. ठीक है, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए. अगर किसी भी एक इनपुट का अगर आउटपुट नहीं मिलता है तो हम कहेंगे क्या, मशीन खराब है, मतलब फंक्शन नहीं है. तो यहाँ देखिए 3 का कोई आउटपुट मिला ही नहीं, ये इनपुट है ना, यहाँ पे इनपुट है ना 3. तो 3 अगर इनपुट है तो सर कोई आउटपुट नहीं मिला, तो पहले वाले को हम कह देंगे क्या, ये जो है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्या है, नहीं है. दूसरे की बात करें, दूसरा फंक्शन है क्या, यस और नो? यस है. अच्छा, बहुत बढ़िया. दूसरा फंक्शन है. ये इसलिए है क्योंकि देखो हर इनपुट का आउटपुट है, पहली बात तो हर इनपुट का आउटपुट और सबका यूनिक आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है. मतलब 1 का केवल एक ही इमेज है ए, 1 का कोई और इमेज नहीं है, 2 का एक ही इमेज है ए, 3 और 4 का भी एक ही इमेज है ए. वो अलग बात है कि 4 का एक ही आउटपुट है, तो कोई दिक्कत नहीं है. 4 नहीं, 1 2 3 ऐसे करोड़ों इनपुट का सेम आउटपुट होना इज पॉसिबल इन फंक्शन. ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, मतलब कहेंगे ये सेट ए का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट बी का एलिमेंट अगर खाली है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली बात है. ठीक है, तो क्योंकि वो आउटपुट है वो डिपेंडेंट है. बाबू हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन है, ये जो है ये फंक्शन है. आगे बढ़ेंगे, तीसरे के बारे में क्या ख्याल है, इज इट फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है कि नहीं? नो सर, नहीं, ये नहीं है. क्यों नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है, बट वाई? सर एक एलिमेंट का रिलेशन 2 के साथ है. वो उस एलिमेंट का नाम क्या है? 2. बहुत बढ़िया, वेरी गुड.
सर टू का जो रिलेशन है ना वो एक से ज्यादा के साथ है, बी से भी है और डी से भी है, बस इस वजह से ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। हाँ ये रिलेशन है, रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं होता है, एक का सौ से रिश्ता हो भाई, मेरा रिश्ता तुमसे भी है, मेरा रिश्ता मेरे पापा से भी, मम्मी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, हाँ ये फंक्शन वाला होता है कि अगर एक हस्बैंड की एक वाइफ हो गई तो दो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का ये लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू वाला कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे हिंदू में एक से ज्यादा वाइफ रखना कानूनन अपराध है। तो ये फंक्शन जो है ये फंक्शन है, एक का रिश्ता एक ही से है, किसी और से अब नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए वास्तव में, बाकी बात की बात है, हो ना हो क्या करना है हमसे। चौथे पे आते हैं, चौथा सवाल जो है ये फंक्शन है कि नहीं बाबू? आई हैव गॉट द आंसर, यस ख्वाहिश कह रही है, यस चीजा कह रही है, यस ये फंक्शन है, ये फंक्शन जानवी कह रही है, बहुत बढ़िया, ये फंक्शन, सॉरी ये गलत लग गया, ये फंक्शन जो है, दिस इज अ फंक्शन, स्टैम्प डाल लग गया, ओके दिस इज अ टिक, ये फंक्शन है, क्यों? हर एलिमेंट का कोई ना कोई सिंगल आउटपुट है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है? एग्जाम्पल फाइव नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, बढ़िया। अच्छा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फाइव का कोई आउटपुट नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फाइव का कोई आउटपुट नहीं है, फाइव कोई इमेज नहीं है, फाइव कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। हाँ ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है, फाइव का कोई आउटपुट नहीं है, वेरी गुड जानवी, बहुत बढ़िया, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ये बताओ सिक्स, ये फंक्शन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया, गुड, यस सर है, बच्चे पहले रेडी हो जाते हैं पूछने के, ठीक है, ये फंक्शन है, वही बात है। अच्छा अब एक बार बताओ, चलो इसका पहले वाले में डोमेन क्या है, पहले में डोमेन क्या है, फंक्शन के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूं, पहले में डोमेन क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, नहीं पहले में डोमेन है ही नहीं क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है ना, जब ये फंक्शन बना ही नहीं तो डोमेन और रेंज की बात ही नहीं आएगी, जब ये फंक्शन ही वैलिड नहीं है यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात ही नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ पे डोमेन क्या है बेटा? 1, 2, 3, 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जानवी, वो तो फंक्शन ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया। डोमेन क्या है? इसका डोमेन है आपका 1, 2, 3, 4। अच्छा इसका रेंज क्या है? रेंज क्या है बेटा? ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका रेंज है सिंगल एलिमेंट ए, बहुत बढ़िया। अच्छा इसी का कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? ABCD, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपको क्लियर हो रहा है यार, अरे वाह। अच्छा ये बताओ भैया, ये बताओ कि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है? सर ये फंक्शन नहीं है, नहीं होगा, फंक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, फंक्शन नहीं है तो डोमेन क्यों पूछ रहे हो, फंक्शन ही नहीं है डोमेन क्यों पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताओ डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4, बहुत बढ़िया। इसका रेंज क्या है बेटा? रेंज ABC, बहुत बढ़िया, ABC, और कोडोमेन ABCD, ये पूरा ABCD, ये पूरा कोडोमेन हो गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा इसका डोमेन बता दो, मजा आ जाए, इसका डोमेन क्या है? सर ये फंक्शन नहीं है। ये तो सर फिर वही बात है, एक ही बात हो तीन बार पूछ रहे हो, ये फंक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे डोमेन रेंज कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा छठे में आओ, इसका क्या डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, टाइपिंग बड़ी तेज है तुम्हारी जानवी। रेंज क्या है बेटा इसका? ABC, टाइप में आओ, गुड। अच्छा सर कोडोमेन बता दो, मजा आ जाए। ABCDE, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, ऐसा कोई एग्जांपल तुम्हारे सामने रखेगा तो एग्जांपल देख करके बता दोगे फंक्शन है कि नहीं है? घर आओगे तो नहीं? यस सर। भूलोगे तो नहीं? पक्का?
अभी तक हमने फंक्शन पढ़ाया नहीं है, बस मैंने एग्जांपल दिया है फंक्शन का, ठीक है। तो फंक्शन की शुरुआत कुछ ऐसी है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है फंक्शन में तो काफी नॉलेज गेन करने को मिलेगा, इसमें तो बहुत खेल है। वास्तव में फंक्शन बहुत खेल है, अभी तो शुरुआत है। तो आपके सामने हमने कुछ लिखा, इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो, इसको लिख लेना, स्क्रीन शॉट रख लो इसका। अब जब थ्योरी लिखवाएंगे तब लिखिएगा, ठीक है भैया। तो हम लोग जो है फंक्शन देखें, हम लोगों ने फंक्शन देखा, फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। अब थ्योरी पे आते हैं, अब लिखवाना शुरू करें। चलिए लिखवाना शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नाम है फंक्शन, चैप्टर नाम क्या है? फंक्शन। सभी लोग लिख लें, चैप्टर का नाम है भैया फंक्शन। लिखिएगा, इट इज स्पेशल, इट इज, ऐसे भावनात्मक लिखवा रहा हूं, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन विथ सम रेस्ट्रिक्शन, विथ सम रेस्ट्रिक्शन, विथ सम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जैसे इफ अ रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर विल बी फंक्शन, ये रिलेशन ही आर जो है, ये रिलेशन ही फंक्शन होगा, आर विल बी फंक्शन आई डबल एफ इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूं, समझाता हूं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर आप एक रिलेशन बना रहे हो सेट ए से सेट बी में, मैं फिगरेटिव भी दिखा रहा हूं, मान लो ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, इसमें मान लो एलिमेंट है ढेर सारे, इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है, ठीक हो गया। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ऐसे सारे एक्स जो कि ए से बिलोंग कर रहे हो, देयर एग्जिस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का नाम क्या है, देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई बिलोंग टू बी, ऐसे सारे x जो कि सेट a में है, इनके लिए एक यूनिक y जो कि सेट b का एलिमेंट है, एक यूनिक y एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम कहते हैं क्या कि r एक फंक्शन है, r एक फंक्शन, और ये क्या लिखा है, फॉर ऑल x, मतलब सारे x, ऐसे सारे एलिमेंट जो कि a में है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, मतलब x का रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a, y इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट b, then for each and every elements of set A there should be a unique y or unique image in set B, ठीक है। unique मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। जैसे example में ये छह example हो गए, तो पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, पांचवा नहीं है, छठा है फंक्शन, ठीक है। इनमें से तीन फंक्शन नहीं है, तीन फंक्शन है, ये एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, इन एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है, इन एग्जांपल्स को आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। फिर आते हैं
आगे जल्दी से लिख लीजिए पप्पू। A function is machine. Which indicates particular input, and give corresponding output. After processing, ठीक है भैया। तो अब इनपुट आउटपुट की बातें आ गई, तो यहाँ पे अब डोमेन रेंज और कोडोमेन की बातें आएंगी, ठीक है। तो हैशटैग देकर के डोमेन क्या होता है लिखिएगा। The particular inputs, the के पहले all लगा लीजिएगा, all the particular inputs that a machine या bracket में function can intake is termed as domain of function. Range क्या होता है? Range क्या होता है? देखिए ऑल द आउटपुट्स करेस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट इज नोन एज range of function या machine जो भी है, ठीक है भैया। अच्छा उसको आपका टर्म क्या आता है? कोडोमेन का टर्म आता है, लिखिएगा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? ये होता है आपका भावनात्मक बातें हैं, या यू कह लो कि द कैपेसिटी ऑफ मशीन या फंक्शन द कैपेसिटी ऑफ मशीन that it can possess is called codomain। ये आज जो तीनों बातें लिखवाई हैं मैंने, ये तीनों बातें बाबू ये हमारी पर्सनल डेफिनेशंस हैं डोमेन रेंज और कोडोमेन की। मैथमेटिकल टर्म्स में इन बातों को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास समाप्त करनी होगी,
विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्लासेस. सो आज की क्लास में समाप्त करते हैं. जो मैंने बताई आपको फंक्शन के बारे में, इस कहानी को पढ़िएगा, इस एग्जांपल को फिर से देखिएगा, और ऐसे ही 10-12 एग्जांपल्स खुद से बनाइएगा. देखिएगा कि आप खुद से बनाए हुए एग्जांपल को आप फंक्शन है या नहीं है ये पहचान पा रहे हो कि नहीं. तो हम लोग मिलेंगे कल अपने समय पे 8:30 बजे मिलेंगे कल, ठीक है भैया. और आज के लिए यहीं पर मीटिंग समाप्त करते हैं. हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर. आने वाले क्लासेस को ज्वाइन करिएगा. वेलकम.